हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एजे वो कैप, जहां पर आपको मिल रही है डेली कुछ वो कैप जिससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव, अमेजिंग हो रही है। बट द ओनली थिंग इज आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो। आपको करना सिर्फ ये है, आपको 3 मिनट्स यहाँ पर डेली स्पेंड करने इस चैनल में, इससे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रेसिव होगी। आज का हमारा वर्ड है यज्ञ। यज्ञ को इंग्लिश में कहते हैं याजना, ये एक नाउन है। अ रिचुअल सेक्रीफाइस विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज याजना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमारी मीनिंग और भी क्लियर हो सके। आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर, जब लॉकडाउन ओवर होने के बाद, अ याजना हैज टू बी डन फॉर एवरीवन्स पीस, एक यज्ञ किया जाना चाहिए हर किसी की शांति के लिए। वी आर गोइंग टू डू याजना, हम जा रहे हैं यज्ञ करने जा रहे हैं। यू आर इन्वाइटेड इन आर हाउस इनोग्रेशन, आप हमारे हाउस इनोग्रेशन में इन्वाइटेड। लॉर्ड ब्रह्मा परफॉर्म्ड अ याजना टू प्लीज शक्ति एंड शिवा, जो लॉर्ड ब्रह्म थे, भगवान ब्रह्म थे, उन्होंने एक यज्ञ परफॉर्म किया शक्ति और शिवा को खुश करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यज्ञ को इंग्लिश में कहते हैं याजना, जो आज हमने पढ़ा, देखा, सीखा, समझा, यूज आपको करना है जिससे आपकी कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव होगी। और हाँ, याद रखना www.ajbookcamp.live को विजिट करना मत भूलना, वहां पर आपके लिए आ रहे हैं बहुत सारे नए प्रोजेक्ट जिससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव होगी। तो फ्रेंड्स, चलो ध्यान रखो अपना, मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।